सख्ती से कार्रवाई करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हिदायत ही है, तो सख्त से जो भी पकड़ा जाए, कोई हो जो गलत करेगा पकड़ा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। बिहार में शराबबंदी सफल रूप से साबित हो और सफल रूप अख्तियार करे, इसको लेकर अब तमाम मंत्री जो हैं वो एड़ी चोटी के दम लगा रहे हैं। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से की गई। अब बिहार सरकार में मंत्री हैं शीला मंडल ने साफ साफ कह दिया है जो गलती करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, वहीं गलती करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ विपक्षी दलों को भी कड़े शब्दों में कहते नजर आ रही हैं कि ज़्यादा कहना या ज़्यादा बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या कुछ कह रही हैं शीला मंडल, जरा आप वो सुनिए। कौन आदमी क्या क्या बोलता है उस पर कितना हम लोग उस पर अथी करें। हम लोग का काम है अपना काम करना है, जनता के लिए काम करते हैं, बिहार राज्य के लिए काम करते हैं। हम लोग का सरकार काम करने वाली सरकार है, हम लोग काम करते हैं। क्या लगता है आप जिस तरह से आरोप बरामद हो रहे हैं शराब, आपको क्या फील हो रहा है, बिहार में क्या स्थिति है शराबबंदी की? बेहतर है, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अभी जो हम लोग उतना बैठक किए और सख्ती से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिदायत भी दिया है कि इसको सख्त से जो भी पकड़ा जाए, कोई हो जो गलत करेगा पकड़ा जाएगा। लेकिन मैम सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर शराब आ कहाँ से रही है, क्योंकि जहरीली शराब से 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और आप लोग जो हैं बोल रहे हैं कि शराबबंदी बढ़िया चल रही है बिहार में। जब शराबबंदी है तो फिर शराब कहाँ से आ रही है? ये तो जो हल्ला है जो सब लोग से पूछा जाए, अगल बगल के राज्यों से आ रहा है तो उसी को ना प्रतिबंध, उसी के लिए ना हम लोग मीटिंग किए हैं कि उसको कैसे सख्ती से कार्रवाई करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हिदायत ही है, सुने ही होंगे आप। मैडम, रेणु देवी के बयान को आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए कौन क्या बोल रहा है इससे हमको नहीं पता। नहीं, सरकार में उप मुख्यमंत्री आपकी सरकार में है। देखिए हम लोग अपना हम क्या बोलते हैं उस पर आप बोलिए, दूसरे का हम नहीं। नहीं, आप क्या सोचते हैं एक महिला का इस तरह का बयान देना कि छात्रों को उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया है? नीतीश कुमार जो है खुद एक मर्यादित व्यक्ति हैं, कभी भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। हम आपको बता दें कि हम उसको सुने ही नहीं हैं, जानते नहीं, हम भी नहीं जानते सीरियल पर। तो आपने सुना शीला मंडल को जो साफ तौर पर कहते नजर आ रही हैं कि विपक्षी दलों का काम है कहना, पर ज़्यादा कहना बिल्कुल भी सही नहीं, ज़्यादा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी सफल है और अब कोई भी गलती करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शराबबंदी को लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष पर सवाल दागता हुआ नजर आ रहा है और समीक्षा बैठक को लेकर अब विपक्षी दल के नेता ये कह रहे हैं ये केवल आइसवास किया जा रहा है, मगर अब सवाल जो है उन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष जो है वो देता नजर आ रहा है। खैर, लाइव सीरीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।